Thank you.
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिंकी। गुड मॉर्निंग इंद्रा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग।
मैम मीनू की प्रेजेंट लगा देना। लगा दी बेटा, मीनू कुमारी बैरवा। अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना चल रहा था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कुल का आर्थिक महत्व, तो अपन देखते हैं एपोसाइनेसी कुल में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट सम्मिलित किए गए हैं, सजावटी पौधे सम्मिलित किए गए हैं। तो सजावटी पौधों में नाम है थेवेशिया पेरुवियाना, जो कि पीली कनेर के नाम से जाना जाता है। एक है कैथेरियंथस रोजियस, कैथेरियंथस रोजियस इसको की सदाबहार कहते हैं। तीसरा है प्लूमेरिया रूबरा, देशी चंपा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार टेबर्नी मोंटाना डाई वेरिकेटा, जो चांदनी के नाम से जाना जाता है, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि एपोसाइनेसी कुल में रखा गया है। इसी प्रकार नीरियम इंडिकेटर, नीरियम इंडिकम का नाम है लाल कनेर। इसी प्रकार है एलेमेंडा कैथार्टिका, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है फैमिली एपोसाइनेसी में। एंड नेक्स्ट है औषधियां, मतलब कौन से मेडिसिंस, कौन से प्लांट्स हैं एपोसाइनेसी कुल में जिनसे मेडिसिन औषधि प्राप्त होती है। तो इस कुल एपोसाइनेसी के पौधों से प्राप्त रबर शीर या लेटेक्स से विभिन्न एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं जो विभिन्न औषधियों के काम आते हैं, विभिन्न औषधियों में काम आते हैं। मुख्य मेडिसिनल प्लांट्स है, मतलब मुख्य औषधि पादप जो कि एपोसाइनेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं वो हैं, एक तो है रोवल्फिया सरपेंटाइना, इसको कि सर्पगंधा कहते हैं। तो इसकी सूखी जड़ों से प्राप्त औषधि हाई ब्लड प्रेशर एवं तनाव के उपचार में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार है होलारीना एंटी डिसेंट्रिका, तो ये इंद्राजो के नाम से जानी जाती है। इस वृक्ष की छाल एवं जड़े पेचिस एवं अन्य उदर रोगों में लाभदायक होती है। एक में ममता शर्मा आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। ममता शर्मा को एडमिट करके लेते हैं। तो नेक्स्ट है फैमिली एपोसाइनेसी में कैथेरियंथस रोजियस, जिसको की सदाबहार के नाम से आप लोग जानते हो। तो इस पौधों की पत्तियों से प्राप्त एल्केलॉइड विनक्रिस्टीन कैंसर के उपचार में प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त सदाबहार की पत्तियां एवं पुष्प मधुमेह डायबिटीज के उपचार में गुणकारी होते हैं। राइटिया टोमेंटोसा को भी एपोसाइनेसी कुल में सम्मिलित किया गया है, ये दूधी के नाम से जानते हैं इसे। तो इस वृक्ष राइटिया की छाल सर्प विष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी प्रकार सरबेरा मेनगास, इस पादप के लेटेक्स से सरबेरिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है जो वमनकारी एवं रेचक परगेटिव होता है। अब नाउ टिम्बर कास्ट, तो राइटिया टोमेंटोसा जो कि एपोसाइनेसी कुल में सम्मिलित हैं, दूधी के वृक्ष से अत्यंत लचीली एवं मुलायम कास्ट या अत्यंत लचीली एवं मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग खराद के काम एवं नक्काशी के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है एल्स्टोनिया स्कोलैरिस, तो छटिंग से प्राप्त काश ब्लैकबोर्ड संदूक व तख्ते बनाने के काम आती है। एक बार दर्शिता राणा आ गई, दर्शिता राणा को भी एडमिट कर देते हैं। दर्शिता राणा, दर्शिता राणा, ठीक है बेटा। अब है अन्य उपयोग के बारे में बात करती हूँ। तो कैरिसा कैरेंडास करूंदा, इस शुभ से प्राप्त फल अचार व सब्जी बनाने के काम आते हैं। मतलब करूंदा इस शुभ के प्राप्त फल
अचार व सब्जी बनाने के काम आते हैं तथा पूरी तरह पके हुए फलों का उपयोग जेली व पुडिंग बनाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है राइटिया टेंटोरिया, दूधी के बीजों से नील के समान रंजक डाई प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इक्नोकार्पस, इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस दुधिलता, दुधिलता तो इस काष्ठीय आरोही वुडी क्लाइंबर पादप के तने को टोकरिया व रस्सी बनाने में काम में लेते हैं। एल्स्टोनिया स्कॉलरिस का उपयोग बोनसाई लघु पादप के रूप में भी किया जाता है। अब बात करती हूँ एपोसाइनेसी कुल के प्रारूपिक पादपों का वानस्पतिक विवरण कैसा है। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल प्लांट फ्रॉम एपोसाइनेसी, तो मैं बात कर रही हूँ कैथेंथस रोजियस की, जिसका की स्थानीय नाम क्या है, कैथेंथस का सदाबहार या बारहमासी। और इस कैथेंथस की प्रकृति कैसी है, हैबिट, ये उद्यानों में उगाए जाने वाला बहुवर्षीय शाक है। क्या है, उद्यानों में उगाया जाने वाला बहुवर्षीय पेरिनियल शाक है और इसकी मूल शाखित मूसला जड़ होती है। वह स्टेम ऊर्ध्व बेलनाकार ठोस शाखित बहरा होता है और इसमें लेटेक्स उपस्थित होता है। अब बात करते हैं लीफ पर्ण ऑफ सदाबहार, स्तंभीय एवं शाखित पत्ती होती है जो कि अपोजिट मैनर में सम्मुख एवं क्रॉसित ढंग से व्यवस्थित होती है। लीफ सरल होती है, लगभग एवरंथ होती है व एक्स स्टिपुलेट पत्ती होती है, मतलब सदाबहार की पत्ती में अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं। लीफ अंडाकार होती है, चिकनी गहरी हरी होती है व ग्लॉकस होती है, अच्छिन कोर होती है व लीफ निशिताग्र होती है और पत्ती में सदाबहार की पत्ती में शिरा विन्यास एक शरीय जाली कवच पाया जाता है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं सदाबहार में, मतलब कैथेंथस रोजियस में इनफ्लोरेसेंस कैसा मिलता है, मतलब पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है, तो सीमाक्षी पुष्पक्रम मिलता है जो कि एक्सिलरी पेयर में या एकल कक्षस्थ में मिलता है, सॉलिटरी एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसी प्रकार सदाबहार में कैथेंथस रोजियस में फ्लावर पुष्प कैसा होता है, तो पुष्प सहपत्री होता है, ब्रैक्टेट होता है, मतलब इसमें ब्रैक्ट उपस्थित होती है, सेवरंत होता है, कैसा है, पेडिसिलेट होता है। पुष्प कैसा है सदाबहार में, पूर्ण है, उभयलिंगी है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है व नियमित व त्रिज्या सम्मिलित पाया जाता है। गुड मॉर्निंग बेटा, पायल राजी लगा दी बेटा, मतलब पुष्प कैसा है सदाबहार में, नियमित है, त्रिज्या सम्मिलित है, पंचतई है, पेंटामेरस है, चक्रिक है और अधोजाएंगी पुष्प मिलता है, गुलाबी या सफेद रंग के पुष्प सदाबहार में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं बाह्य दलपुंज कैलिक्स कैसा होता है सदाबहार में, तो बाह्य दल 5 होते हैं, सदाबहार में सेपल्स 5 होती हैं, आधारीय भाग पर संयुक्त व ऊपर से पृथक होती हैं और इन सेपल्स बाह्य दल का विन्यास कोर स्पर्शी होता है, वेलवेट होता है। प्रत्येक सेपल बाह्य दल के आधार पर एक ग्रंथिल संरचना उपस्थित होती है, मतलब प्रत्येक सेपल के आधार पर एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर उपस्थित होता है। इसी प्रकार दलपुंज की बात करते हैं तो कैथेरेंटस में सदाबहार में 5 पेटल्स मिलते हैं, दलपत्र 5 होते हैं जो कि सिल्वर शेप्ड होते हैं, डीवट रूपी होते हैं, संयुक्त दलीय होते हैं और ये जो पेटल्स है गुलाबी या सफेद रंग के सदाबहार में पेटल्स मिलते हैं और इनका विन्यास क्लॉकवाइज ट्विस्टेड होता है, दक्षिणावर्त व्यावर्तित होता है। इसी प्रकार जब अपन पुमंग एंड्रोशियम को सदाबहार में देखते हैं तो पाएंगे कि कैथेंथस रोजियस में 5 पुंकेसर मिलते हैं, जो कि 5 पुंकेसर मिलते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं एंड द स्टेमेंस, मतलब पुंकेसर दल लग्न होते हैं, वे पुंकेसर एंटी सेपेलस होते हैं,
पूतंतु छोटे होते हैं वे कैथेंथस रोजियस में पराग कोश डाइथीकस पाए जाते हैं वे डोर्सिफिक्स प्रश्लग्न वे अंतर्मुखी होते हैं एंट्रोड्स होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि कैथेंथस रोजियस में सदाबहार में कि मतलब कैसा जायंग पाया जाता है। एक बार चंदा चलावरिया भी आई हैं, इनको भी एडमिट कर देते हैं। एक बार को चंदा चलावरिया चंदा चलावरिया ठीक है। तो कैथेंथस रोजियस में जायंग कैसा मिलता है, गायनोशियम बाई कार्पलरी मिलता है, डी एंडापी मिलता है, अंडाशय पृथक होता है परंतु वर्तिका संयुक्त एंटी मतलब वर्तिका संयुक्त सिनकार्पस अंत युक्त अंडापी पाया जाता है, अंडाशय उच्च वर्ती होता है मतलब ओवरी इज सुपीरियर एंड प्लासेंटेशन इज मार्जिनल प्लासेंटेशन, वर्तिका लंबी होती है वह स्टिग्मा वर्तिकाग्र डंबल की डंबल डंबल की आकृति के होते हैं। तो अब पाते हैं कि सदाबहार में फ्रूट फल कैसा होता है, सुदीर्घित फॉलिकल का जोड़ा पाया जाता है सदाबहार में। और अब मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिससे सदाबहार का कैथेंथस रोजियस का अपन वो देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला ठीक है। अभी देखते हैं एक बार बेटा अभी करते हैं आपके साथ स्लाइड शेयर। देखो बेटा अपन ने क्या पढ़ा था अभी, सदा क्या पढ़ रहे हैं अपन कैथेरेंथस रोजियस जिसका नाम है स्लाइड शेयर कर रही हूँ क्योंकि फैमिली एपोसाइनेसी में आता है। और इस सदाबहार को अपन और क्या कहते हैं, इसका नाम विंका रोजिया, ये प्लांट दिख रहा है विंका रोजिया, यह है सदाबहार। तो मैंने हैबिट क्या बताई थी सदाबहार की, ये आपको स्लाइड में दिख रही है, ये उद्यानों में उगाया जाता है और पेरिनियल हर्ब है, बहुवर्षीय शाख है, ये तो बताई दी। और कैसी रूट मिलती है, ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। और सदाबहार में स्टेम कैसा होता है, तना कैसा होता है, हर्बेशियस होता है, शाकीय होता है, इरेक्ट सिलेंड्रिकल बेलनाकार स्टेम होता है, सॉलिड मतलब ठोस स्टेम होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच का मतलब शाखित होता है, वे स्टेमेन मतलब ग्लैबरस होता है और स्टेम कैसा है, ग्रीन हरा होता है। इसी प्रकार लीव्स के बारे में बताया था, पत्तियां कोलाइन एंड रैमल होती हैं, इसमें कैथेंथस में स्तंभीय व शाखीय पत्तियां पाई जाती हैं जो कि अपोजिट डिकासेट सम्मुख क्रॉसेट मैनर में व्यवस्थित रहती हैं। लीव्स कैसी हैं, सिंपल हैं और लीव्स हैं सदाबहार में एक्स स्टिप्यूलेट मतलब इसमें स्टिप्यूल्स अनुपर्ण नहीं पाए जाते और लीव्स अंडाकार होती है, ओवेट होती है व चिकनी होती है और यूरिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। पत्तियों में शिरा विन्यास एक श्रीय जालिकावत पाया जाता है मतलब यूरिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। इसी प्रकार सदाबहार में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी। अब सदाबहार का पुष्प अपन देखेंगे तो ये ब्रैक्टेट होता है, पेडिसलेट होता है। अब आप देखना इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ सदाबहार में, हाँ इसका ये देखना कैथेंथस रोजियस है ना, ये देखना ये वाली स्लाइड जिसको मैं एनलार्ज करती हूँ अगर हो जाता है तो इसमें अपन देख रहे हैं सदाबहार का डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम देखना। तो अपन फ्लोरल डायग्राम में देखते हैं कि कैलिक्स में बाह्य दल कितनी है, बाह्य दल का मतलब सेपल्स है 5, 1, 2, 3, 4, 5 सदाबहार का फ्लोरल डायग्राम है, सेपल्स है 5 और ये सेपल्स आपस में कैसी है, पृथक है, पॉलीसिपेलस कंडीशन है और इसमें कौन सा विन्यास पाया जाता है तो कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी मतलब वेलवेट
विन्यास पाया जाता है और अपन देखते हैं फिर सेपल्स के नीचे है पेटल्स, मतलब दलपत्र कितने हैं बेटा, वो भी 5 है, सदाबहार का फ्लोरल डायग्राम है ये। और दलपत्र कैसे हैं, सिल्वर शेप्ड होते हैं, डीवट रूपी होते हैं, तो डीवट रूपी तो है लेकिन ये कैसे अरेंज है, ट्विस्टेड है, व्यावर्तित है। ये देखो फ्लोरल डायग्राम में दलपत्र कैसे है, यूनाइटेड है, संयुक्त दली है, गेमोपिटेलस है, और ये इनमें विन्यास कैसा है, दक्षिणावर्त व्यावर्तित, मतलब क्लॉकवाइज ट्विस्टेड है ये। इसी प्रकार अपन आप देखते हैं कि एंड्रोशियम, ये देख लो फ्लोरल डायग्राम सदाबहार का, कैथेंथस का, तो पुंकेसर कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ये पुंकेसर 5 है जो कि एपिपेटलस है, दल लग्न है। ये देख रहे हो जो पुंकेसर है वो दल से अटैच्ड है, एपिपेटलस है, और एंडिसेपेलस है। एपिपेटलस तो है भाई ये दल अभिमुख है, ठीक है, पराग कोश कैसे है, डाइथीकस है, वह इंट्रोड्स है, अंतर्मुखी है। इसी प्रकार ये कहते हैं अंतर सूर्यस में अपन देख रहे हैं। गाइनोशियम कैसा है, बाई कार्पिलरी है, अंडाशय पृथक है, पेंटुसिन कार्पस है, और ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया किसका डायग्राम, इसका कैथेंथस रोजस का। एक और मैं डायग्राम शेयर कर रही हूँ, एक और स्लाइड शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। हाँ ये तो था कैथेंथस रोजस का। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी अपन अगर देखें तो ये वाला तो छोड़ो भी, ये तो हो गया कनेरियम इंडिकम। अब है लाल कनेर, लाल कनेर का देखना बेटा, लाल कनेर की जो हैबिट है वो हैबिट कैसी है, इसकी हैबिट है कि लाल कनेर एवरग्रीन श्रब है, सदा हरित शुभ है, जिसमें कि लेटेक्स पाया जाता है, और इसकी लाल कनेर मतलब नेरियम इंडिकम की रूट कैसी है, ब्रांच टैप रूट जड़ पाई जाती है नेरियम इंडिकम में, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। और नेरियम इंडिकम लाल कनेर में स्टेम कैसा होता है, स्टेम होता है इरेक्ट वुडी माने काष्ठीय स्तंभ होता है, सॉलिड होता है स्टेम, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है। स्टेम कैसा है, शाखित है, बेलनाकार है, ठोस है, स्मूथ है, और विद स्टेम में भी मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। इसी प्रकार लाल कनेर में नेरियम इंडिकम में जो लीव्स हैं वो वर्ल्ड हैं, चक्र में व्यवस्थित हैं। लीव्स कैसी हैं, सरल हैं, सब सेसाइल हैं, एक्स स्टिपुलेट है, मतलब नेरियम इंडिकम लाल कनेर में भी लीव्स में स्टिप्यूल्स अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं। और लीव्स कैसी हैं, भालेनुमा है, लैंसिओलेट है, और लीव्स के जो उपांत है मार्जिन है वो एंटायर है, एक्यूट है। लीव्स कैसी है, लेदरी है, चर्मिल है, और लीव्स में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। लीव्स लाल कनेर की पत्तियों में क्या पाया जाता है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। और लाल कनेर में नेरियम इंडिकम में जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, वो टर्मिनल साइम पाई जाती है। इसी प्रकार जब लाल कनेर का नेरियम इंडिकम का अपन फ्लावर देखते हैं तो क्या कहेंगे कि पुष्प में ब्रैक्ट, पुष्प कैसा है, ब्रैक्टेट है, मतलब सहपत्र पाई जाती है, और पेडिसिलेट है, पुष्प कैसा है, सेवरंथ है, पेडिसिलेट माने सेवरंथ है, और पुष्प कंप्लीट है, पूर्ण है, वह हर्माफ्रोडाइट है। पुष्प कैसा है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, जिसकी हिंदी क्या है, उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है लाल कनेर में। वह पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब पुष्प कैसा है, त्रिज्या सममित है, वह पेंटामेरस है, पंचतई है, हाइपोगाइनस ओवरी पाई जाती है, और रेड पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसी प्रकार जब अपन कैलिक्स देखते हैं भाई ये दलपुंज, किसमें लाल कनेर में तो पाएंगे सेपल्स 5 है, कितनी है, भाई ये दल 5 है, जो कि गेमोसीपेलस है, मतलब आपस में संयुक्त है, क्यून कंशियल जो विन्यास है भाई दल का कैसा है, क्यून कंशियल है, या कोर शादी विन्यास है, इम्ब्रिकेट विन्यास है। इसी प्रकार जब कोरोला देखते हैं नेरियम इंडिकम में तो लाल कनेर में 5 पेटल्स पाई जाती है, 5 दलपत्र पाए जाते हैं जो कि आपस में संयुक्त है,
मतलब टर्म क्या है, गेमो पिटेलस, पेटल्स आर फ्यूज्ड, ट्यूबुलर एंड रोटेट पेटल्स पाई जाती हैं, कोरोना एट द थ्रोट ऑफ कोरोला ट्यूब। अब नीरियम लाल कलर की विशेषता क्या है कि कोरोला ट्यूब के थ्रोट पर कोरोना की उपस्थिति होती है और इसमें विन्यास व्यावर्तित होता है, ट्विस्टेड होता है। और पेटल्स कैसी हैं, पिंक और व्हाइट इन कलर है, गुलाबी या सफेद रंग की है। इसी प्रकार लाल कनेर में जो एंड्रोशियम है, मतलब पुमंग कैसा होता है, स्टेमेंस पांच होते हैं, पुंकेसर पांच होते हैं, और ये पुंकेसर एपिपेटेलस होते हैं। लाल कनेर में पुंकेसर दल लग्न होते हैं, अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स, एंड दीज आर इंसर्टेड नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। तो अपन देखते हैं, फिलामेंट्स आर शॉर्ट, जो पुतंतु हैं, फिलामेंट्स माने पुतंतु छोटे होते हैं, एंथस एडहेरिंग टू द स्टिग्मा, स्टेमेंस विद लॉन्ग हेयरी अपेंडेजेस अपवर्ड्स एंड रिजिड स्पून लाइक अपेंडेजेस डाउनवर्ड। एंथस कैसे हैं, बेसिफिक्स हैं, वे अंतर्मुखी हैं। इसी प्रकार लाल कनेर में लास्ट है गाइनोशियम कैसा होता है, जायांग कैसा होता है, जायांग है बाइकार्पलरी, दी अंडपी बाइकार्पलरी, सिनकार्पस मतलब युक्ता अंडपी, और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, मतलब अंडाशय उच्च वर्ती होता है। और प्लासेंटेशन कैसा है बेटा, स्तंभीय एक्साइल प्लासेंटेशन नीरियम इंडिकम में पाया जाता है। स्टाइल कैसी है, लॉन्ग है, स्टाइल माने वर्तिका लंबी है, और स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र ड्रम शेप्ड की है, ड्रम शेप्ड की है। इसी प्रकार जब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देते हैं तो ब्रैक्ट दिखा रहा है, ये है कंप्लीट, और ये है आपका बाइसेक्सुअल। कैलिस कितनी थी, पांच, जो कि आपस में फ्यूज है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, और कोरोला पांच है, पेटल्स भी पांच है, एंडोशियम भी पांच है, और ये एंटीपेटलस है तो ऊपर अपन निशान लगा देंगे। कैलिक्स इज यूनाइटेड विथ मतलब स्टेमेंस आर एपिपेटलस, और गाइनोशियम कैसा है, सुपीरियर है। अब अपन देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम कहीं दिखता है, रुको अभी फ्लोरल फॉर्मूला भी दिखा रही हूँ इसका, फ्लोरल फॉर्मूला तो बता ही दिया मैंने इसका, तो ये अपन ने देखा मेडिसिन, ठीक है। अब अपन ये वाला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिसाइनिस, एपोसाइनिस ही कर ही लिया अपन ने। अब एक लास्ट बता रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एपोसाइनिस, तो पल्पी फ्रूट्स, इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ वेजिटेबल्स भी है बेटा, तो पल्पी फ्रूट्स ऑफ कैरिसा कैरेंडस आर एडिबल। आप सभी लोग जानते हो जो करोंदा है, जिसको कि कैरिसा कहते हैं, उसके गूदेदार फ्रूट्स को खाते हैं, मतलब वो एडिबल है, एंड आर ऑल्सो पिकल्ड, और करोंदे का अचार भी डाला जाता है, कैरिसा के फ्रूट्स का अचार भी डाला जाता है। इसी प्रकार रबड़ है, तो मैनी स्पीसीज ऑफ हेनकोरा डाई एरा अर्सियोला आर द सोर्सेज ऑफ रबड़, ठीक है। अब एक क्लास बता देती हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, डिस्कस कर ली थी कि पॉइजनस द सीड्स ऑफ थिवेशिया, अपन देखते हैं थिवेशिया किसमें आता है बेटा, पीला कनेर, ये आता है फैमिली एपोसाइनेसी में, तो द सीड्स ऑफ थिवेशिया कंटेन थिवेटिन ए पॉइजनस ग्लाइकोसाइड, मतलब पीले कनेर के बीजों में एक पॉइजनस जहरीला ग्लाइकोसाइड उपस्थित होता है, और जहरीले ग्लाइकोसाइड को क्या कहते हैं, थिवेटिन के नाम से जानते हैं। तो थिवेशिया है तो याद रखो थिवेटिन नामक जहरीला ग्लाइकोसाइड मिलता है, तो द लेटेक्स ऑफ एकोकैंथेरा इज यूज्ड फॉर पॉइजनिंग एरोज, द बार्क एंड वुड ऑफ नीरियम इंडिकम प्रोवाइड रेड पॉइजन, अगर चूहों को मारना है तो जो छाल है, किसकी छाल, नीरियम इंडिकम लाल कनेर की छाल को, वे लाल कनेर की कास्ट को, वुड को रेड पॉइजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हुई फैमिली एपोसाइनेसी की बात। अब अपन करते हैं आज, कल भी करेंगे, फैमिली एस्क्लेपियाडेसी, मतलब कुल एस्क्लेपियाडेसी की बात, जो कि मिल्क वीड फैमिली के नाम से भी जानी जाती है, और बासंती कुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बेंथम एंड हुकर के अनुसार एस्क्लेपियाडेसी कुल
जो है कैसा है, किसमें रखा गया है, डिवीजन क्या है, प्रभाग एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन, उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी, और क्लास कौन सी है, वर्ग कौन सा है जिसमें की एस्किपियरेसी को रखा गया है, तो वर्ग है गेमोपिटेली। श्रृंखला सीरीज कौन सी है, बाइकार्पिलेटी, बाइकार्पिलेटी। ऑर्डर कौन सा है, गण है जेनशेनेल्स, और फैमिली किसकी बात करेंगे अपन, एस्किपियरेसी या एस्क्लेपियरेसी, जिसको कि बासंती कुल या मिल्कवीड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। आज अपन केवल इतना डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियरेसी, कुल एस्क्लेपियरेसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं। तो अधिकांश सदस्य शुप अथवा काष्ठीय आरोही हैं, वृक्ष एवं शाख अत्यंत विरल होते हैं। अब एपोसाइनेसी कुल के पादप के समस्त भागों में लेटेक्स रबर शीर उपस्थित होता है। स्तंभ की आंतरिक संरचना में बाइकोलेटरल बंडल्स की उपस्थिति पाई जाती है, और एपोसाइनेसी कुल के पादपों के पर्ण सरल होते हैं, एक्स स्टिपुलेट लीफ्स होती हैं, वे पर्ण सम्मुख एवं क्रॉसेट होते हैं। इसी प्रकार एस्क्लेपियरेसी पुष्पक्रम, एस्क्लेपियरेसी फैमिली में क्या पुष्पक्रम पाया जाता है, पुष्पक्रम है ससीमाक्षी, पुष्प उभयलिंगी होते हैं, वे एस्क्लेपियरेसी कुल के पुष्पक्रम कैसे हैं, ससीमाक्षी है, पुष्प उभयलिंगी है, अधोजायंगी व नियमित है। इसी प्रकार दलपुंज में कोरोना नामक उपांग की उपस्थिति पाई जाती है, वह विन्यास व्यावर्तित होता है। तो प्राय पुंकेसरों के पराकोष एवं वर्तिकाग्र संयुक्त होने से गाइनोस्टीजियम का निर्माण होता है, पुंवर्तिकाग्र छत्र का निर्माण होता है, मतलब गाइनोस्टीजियम का निर्माण होता है, जायांग द्वि अंडपी होते हैं, युक्ता अंडपी होते हैं, तथा ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, फल फॉलिकल का पुंज होता है। तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एस्क्लेपियरेसी, कुल एस्क्लेपियरेसी के लक्षण क्या है, कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स और मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली एस्क्लेपियरेसी आर श्रब्स और वुडी क्लाइंबर्स। इसमें अधिकांश सदस्य कैसे हैं बेटा, या तो शुप है या काष्ठीय आरोही है। एंड इन द फैमिली एस्क्लेपियरेसी द ट्रीज एंड द श्रब्स आर रेयर, एंड पादप के समस्त भागों में लेटेक्स उपस्थित होता है। तीसरा है स्तंभ की आंतरिक संरचना में बाइकोलेट्रल बंडल्स पाए जाते हैं, मतलब बाइकोलेट्रल बंडल्स उभय फ्लोएमी बंडलों की उपस्थिति स्तंभ में पाई जाती है। इसी प्रकार एस्क्लेपियरेसी कुल में द लीव्स आर सिंपल एंड द लीव्स आर एक्स स्टिपुलेट एंड द लीव्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट डिकासेट मैनर। इसी प्रकार एस्क्लेपियरेसी कुल में पुष्पक्रम ससीमाक्षी होता है, पुष्प उभयलिंगी होते हैं, वे अधोजायंगी व नियमित होते हैं। एंड नेक्स्ट लक्षण कौन सा है, एस्क्लेपियरेसी कुल में दलपुंज में कोरोना नामक CORONA कोरोना नामक उपांग की उपस्थिति होती है और विन्यास व्यावर्तित होता है, और पुंकेसरों के पराकोष एवं वर्तिकाग्र संयुक्त होने से गाइनोस्टीजियम का निर्माण होता है, जायांग डी अंडपी होता है और युक्ता अंडपी होता है, और एस्क्लेपियरेसी कुल में फल फॉलिकल का पुंज होता है। तो अपन देखते हैं नाउ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली एस्क्लेपियरेसी। एस्क्लेपियरेसी कुल का प्राप्ति स्थान एवं वितरण, तो यह
एस्क्लेपियडेसी द्विबीजपत्री पौधों का एक बड़ा कुल है जिसमें 315 वंश व 3050 पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं। इस कुल एस्क्लेपियडेसी के सदस्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में एपोसाइनेसी फैमिली के लगभग 55 जनरा एवं 250 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से हिमालय की तराई वाले इलाकों और पश्चिम भारत में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं।